हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे पावर बैंक जो भी आपको केवल 500 रुपए के बजट में देने को मिलते हैं। यानी दोस्तों, आप पावर बैंक खरीदना चाहते हो और आपको पावर बैंक की जरूरत पड़ती है, यानी आपको मोबाइल वावर डिस्चार्ज होता है, आपको पावर बैंक की जरूरत है और आपका बजट कम है, 500 रुपए में आपको पांच बहुत अच्छे पावर बैंक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो पर एंड तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको कौन सा पावर बैंक लेना चाहिए और कौन सा नहीं 500 रुपए के बजट में। दोस्तों, ये एक सबसे लो बजट है जिसके अंदर आपको पावर बैंक मिल जाएगा और वो भी अच्छा खासा पावर बैंक आपको मिल ही जाएगा इस बजट में। दोस्तों, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्किप करे बिना पूरी जरूर देना। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो फिफ्थ नंबर का पावर बैंक आता है वो है स्प्रिट ई पावर बैंक। दोस्तों, ये एक अच्छा पावर बैंक आपको देने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके हम सबसे पहले के बैटरी कैपेसिटी की बात करें, इसमें आपको 15,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके इसके बाद अगर इसके वजन की बात करें, तो इसमें आपको 250 ग्राम का वजन देने को मिल जाता है, यानी 250 ग्राम का आपको पावर बैंक देने को मिल जाता है। दोस्तों, पोर्ट्स की बात करें, तो इसमें आपको एक तो USB का पोर्ट देने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों, बात रही इसको चार्ज करने की, तो इसको चार्ज करने में आपको कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे फुल चार्ज करने में। और दोस्तों, इसमें जो आप केबल यूज करोगे वो माइक्रो USB केबल होगी। जब आप इसको यूज मतलब इसको चार्ज करोगे तो उसके लिए आपको माइक्रो USB केबल मिलेगी जब आप इसको परचेज करते हो। तो इसी के साथ वो माइक्रो USB केबल आपको बॉक्स में देने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा खासा पावर बैंक आपको देने को मिल जाता है लिस्ट में। लेकिन दोस्तों, इसमें 15,000 mAh है, तो बात रही कि कितने बार आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों, एक तरह से माने हम तो एक या दो बार आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा, क्योंकि इसमें लिखने में तो 15,000 mAh लिखा हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें 15,000 mAh की बैटरी आपको देने में मिले, क्योंकि अच्छे अच्छे इसे महंगे महंगे प्रोडक्ट भी आपको इतनी अच्छी बैटरी कैपेसिटी नहीं दे सकते जितनी इसमें ये बता रहा है 15,000 mAh। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम दो बार तो आप इससे मोबाइल आराम से चार्ज कर सकते हो। एक बार इसको पावर बैंक को फुल चार्ज कर लोगे तो दो बार तो आप मोबाइल को फुल चार्ज कर ही पाओगे। तो दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो इसकी प्राइस आपको 485 रुपीज देने को मिल जाती है, इसलिए हमारे लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर लिया गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर। तो हमारे लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पावर बैंक आता है वो जिंक टेक्नोलॉजी की तरफ से आता है। दोस्तों, अगर इसके हम सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की बात करें, उसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देने को मिल जाएगी। रही बात है अगर इसके हम वजन की बात करें, उसमें आपको 350 ग्राम का वजन देने को मिल जाएगा। इसको आप इजिली अपने बैग वगैरह में रखकर अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। कहीं पर अगर आप जाते हो तो उसको आप आराम से कैरी कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करें कि कितना टाइम इसको फुल चार्ज होने में लगता है। तो दोस्तों, ये 4 घंटे में आपको फुल 4 से 5 घंटे में आपका फुल चार्ज होता है वाला पावर बैंक। और आप बात करें कि इससे आप कितनी बार मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, तो इससे आप एक बार तो आराम से, अगर आपको 4,000 mAh का बैटरी होगी मोबाइल में तो एक बार ज्यादा कर सकते हो। अगर 5,000 mAh की बैटरी होगी तो एक बार आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो इस पावर बैंक से। तो दोस्तों, अगर पोर्ट्स की बात करें, तो इसमें आपको डुअल USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, यानी आप एक साथ दो मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा आपको इसमें एक माइक्रो USB केबल के साथ मिलेगी जब आप इसको परचेज करते हो, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसको चार्ज करने में आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं। उसके बाद आप इससे अगर 4 mAh की बैटरी हो तो एक मोबाइल चार्ज कर सकते हो, या 5,000 mAh की हो तो उससे एक से ज्यादा मोबाइल चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप एक साथ दो मोबाइल को चार्ज कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको दो USB पोर्ट के सपोर्ट मिल जाता है। और उसमें आपको जो पावर होती है 2.1 एम्पेयर की पावर आपको देने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात आपको इस पावर बैंक में देने को मिल रही है। इसी के साथ इसमें आपको इंडिकेशन लाइट भी देने को मिल जाती है और एक ऑन ऑफ बटन आपको इसमें देने को मिलता है। जब आप अगर आप किसी को मोबाइल चार्ज करते हो अपना, तो उस बटन को आप ऑन करोगे जब जाकर ये पावर बैंक चालू होगा। तो दोस्तों, इसमें लाइट इंडिकेशन तो आपको मिल जाती है, 4 लाइट मिल जाती है, जिससे आपको पता चल जाए इसमें कितनी बैटरी अभी बाकी है और कितनी नहीं। तो दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करें, इसकी प्राइस आपको 449 रुपीज देने को मिल जाती है। दोस्तों, इसलिए हमारे इसमें फोर्थ नंबर पर लिया गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं थर्ड नंबर के पावर बैंक। इसमें थर्ड नंबर का पावर बैंक आता है वो है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बैंक की तरफ से आने वाला पावर बैंक। दोस्तों, एक अच्छा पावर बैंक आपको इसमें देने को मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें, जिसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देने को मिल जाती है, जो कि आप बिलीव कर सकते हो कि एकदम सही कैपेसिटी आपको इसमें देने को मिलेगी, क्योंकि आपको एक कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाता है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय, जो कि एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट आपको देने को मिल रहा है इस रेंज में। और दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें आपको कितना टाइम लगेगा चार्जिंग में, तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे चार्जिंग करने में लगते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर अभी बात करें हम कि एक बार में कितने मोबाइल चार्ज कर देगा, तो दोस्तों, इसमें भी आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2.1 एम्पेयर की पावर मिल जाती है, यानी 2.1 एम्पेयर के 2 USB पोर्ट से आप एक साथ दो मोबाइल चार्ज कर सकते हो एक ही टाइम पे। और दोस्तों, इसमें आपको माइक्रो USB केबल का सपोर्ट मिल जाता है और आप इसको 10 वाट का जो चार्जर होता है उसे चार्ज कर पाओगे। एंड दोस्तों, इसमें जो केबल आती है, अगर आप उसे चार्ज नहीं करना चाहते तो आप अपने जो मोबाइल का चार्ज होता है उससे भी इसको चार्ज कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा फास्ट चार्ज देने को मिल जाता है ये वाला पावर बैंक। दोस्तों, एक अच्छा पावर बैंक आपको देने को मिलता है।
और एक साइड से ये पॉकेट फ्रेंडली भी आपको देखने को मिलता है, यानी आप इसको पॉकेट में रख के भी कैरी कर सकते हो अगर आपको कहीं जाते हो तो। दोस्तों एक ये भी अच्छा पावर बैंक आपको देने को मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें, इसकी प्राइस आपको 449 रुपीज़ प्राइस देने को मिल जाती है दोस्तों, एक अच्छा पावर बैंक लिस्ट में देने को मिल जाता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर की पावर बैंक के और बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पावर सेकंड बैंक नंबर पावर बैंक आता है, वो माइक्रोमैक्स की तरफ से आता है। दोस्तों ये भी एक अच्छा पावर बैंक आपको लिस्ट में देने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें, इसमें आपको 10,400 mAh की बैटरी कैपेसिटी देने को मिल रही है, यानी एक बहुत अच्छी बैटरी कैपेसिटी इस प्राइस रेंज में आपको देने को मिल जाती है। और एक कंपनी का प्रोडक्ट भी आपको देने को मिल जाता है, माइक्रोमैक्स कंपनी का प्रोडक्ट आपको ये देने को मिल जाता है। दोस्तों रही बात अगर हम इसकी बात करें कि चार्जिंग कितने टाइम में होता है, तो इससे आपको 4-5 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। लेकिन दोस्तों एक बार फुल चार्ज हो जाएगा तो बात करें अगर हम इसे एक बार में कितने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, तो एक बार में आप इससे 2 मोबाइल तो एक साथ चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपको 2.1 एम्पेयर की पावर से 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप एक बार में 2 मोबाइल एक साथ चार्जिंग को लगा सकते हो एक ही पावर बैंक से। और अगर ये बात करें हम कि कितने घंटे में कितने चार्ज कर देगा, मतलब कितने मोबाइल चार्ज कर सकता है, तो 10,400 mAh की कैपेसिटी होने के हिसाब से ये 2 मोबाइल या 3 मोबाइल आराम से चार्ज कर देगा आपके। अगर आपके पास 3 मोबाइल हो, तीनों मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा, और तीन ने अगर हम मान के चले तो 2 मोबाइल तो आपके अच्छे से चार्ज कर देगा मोबाइल में, नाला भी पावर बैंक इतना अच्छा है। दोस्तों इसमें भी आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने जो पावर बैंक है उसको चार्ज कर सकते हो उसको आप। इसके अलावा अगर आप अपना चार्जर यूज करना चाहते हो मोबाइल का, तो वो चार्जर भी आप यूज कर सकते हो उसको चार्ज करने के लिए। दोस्तों एक बहुत अच्छा पावर बैंक आपको लिस्ट में देने को मिल जाता है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो इसमें आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी देने को मिल जाती है, और डिजाइन का लुक एंड लुक भी बहुत अच्छा देने को मिल जाता है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। इसमें आपको एलईडी इंडिकेशन देने को मिल जाते हैं। दोस्तों एक अच्छा पावर बैंक आपको लिस्ट में देने को मिल रहा है दोस्तों, इसलिए हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पर लिया गया। अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो इसकी प्राइस आपको 499 रुपीज़ देने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसलिए हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पर है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर के दोस्तों पावर मैंने बैंक जो की ओर। फर्स्ट नंबर पावर बैंक आता है वो आईबॉल की तरफ से आने वाला पावर बैंक। दोस्तों एकदम बेस्ट पावर बैंक आपको लिस्ट में देने को मिल जाता है। इस लिस्ट में मैं आपको जितने पावर बैंक बताए उन सब में सबसे अच्छा बेस्ट पावर बैंक आपको यही पावर बैंक देने को मिल रहा है आईबॉल का। दोस्तों अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर इसके फीचर्स के बारे में आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि एकदम बेस्ट प्राइस रेंज में एकदम बेस्ट पावर बैंक आपको देने को मिल जाता है, इसलिए हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर। अगर इसके फीचर्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले कैपेसिटी की बात कर ले, इसमें आपको 10,000 mAh की कैपेसिटी देने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात आपको देने को मिल रही है। अगर चार्जिंग की बात करें, तो कितने टाइम में चार्ज होता है, तो इसको चार्ज करने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, 5-6 घंटे लगते हैं। लेकिन ये आपका अगर इसमें आपको चार्जिंग की बात करें कि आप एक साथ कितने मोबाइल चार्ज कर सकते हो, तो दोस्तों ऐसे तो आप 2 USB पोर्ट इसमें भी आपको देने को मिल जाते हैं, और उसमें आपको हाई कैपेसिटी देने को मिलती है, यानी 2.4 एम्पेयर की पावर आपको उन माइक्रो USB पोर्ट में देने को मिल जाती है, जिसके कारण आप अपने जो मोबाइल होते हैं उनको थोड़ा जल्दी चार्ज कर पाओगे। ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। उसके अलावा अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करते हैं, इसमें आपको माइक्रो USB केबल हो या टाइप सी केबल हो, आपको दोनों के पोर्ट मिल जाते हैं। आप चाहो तो माइक्रो USB केबल से भी इसको चार्ज कर सकते हो, अगर आपके पास माइक्रो USB नहीं है तो टाइप सी से भी इसको चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों एक खास फीचर ये भी है इसका कि आप इसमें 2 मोबाइल चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा इसमें आप अगर आपके पास C2C केबल है, तो उससे आप अपना एक और मोबाइल चार्ज कर सकते हो, या C2C माइक्रो USB केबल है, तो उससे भी आप एक और मोबाइल चार्ज कर सकते हो, यानी एक टाइम पे आप 3 मोबाइल भी इससे चार्ज कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा फीचर आपको इस पावर बैंक में देने को मिल जाता है, क्योंकि ये फीचर आपको अभी तक किसी पावर बैंक में देने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों जिस प्राइस रेंज पे रखा गया है वो एकदम बेस्ट प्राइस रेंज आपको देने को मिल जाती है। दोस्तों अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छी देने को मिल जाएगी। और दोस्तों डिजाइन की बात करें, तो एकदम हैंडी डिजाइन आपको देने को मिल जाती है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा वजन देने को नहीं मिलता है, 200 ग्राम का वजन है, जो एक बेसिक वजन आपको इसमें देने को मिल जाता है, बेसिक वेट इसमें देने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात आपको इस पावर बैंक में देने को मिल जाती है। इसके साथ भी आपको एक माइक्रो USB केबल देने को मिल जाती है जब आप इसको परचेज करते हो। तो दोस्तों ये एक सबसे अच्छा पावर बैंक है। तो दोस्तों अगर आप एक पावर बैंक खरीदना चाहते हो और आपका बजट कम है, तो 500 रुपये में सबसे अच्छा पावर बैंक आपको यही मिलता है। अगर इसके प्राइस की बात करें, तो इसकी प्राइस आपको 412 रुपीज़ देने को मिल जाती है, यानी 412 रुपये में आपको पावर बैंक देने को मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो इतना अच्छा पावर बैंक आपको 412 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों अगर आप पावर बैंक खरीदना चाहते हो, तो ये पावर बैंक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और जितने ही पावर बैंक ने आपको इस लिस्ट में बताया, सभी यही की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। आपको जो इच्छा हो वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो, लिंक में सभी डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, एक लाइक कर देना, एक कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन में प्रेस करके ऑल भी क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियो होगी सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।